राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को बचाने के लिए सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सिफारिश करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने कहा, हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसीलिए घोषित किया क्योंकि मोर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। इसके जो आंसू आते हैं, मोरनी उसे चुग कर गर्भवती होती है। तो ये भारी फजीहत जो जज साहब की हुई है, और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जज साहब ने ये क्या कह दिया। उनका सुझाव यह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे एक कदम बढ़ते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आखिर मोर राष्ट्रीय पक्षी क्यों है। उन्होंने कहा कि मोर उनके हिसाब से आजीवन ब्रह्मचारी रहता है और मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती है। अब इस दलील के बाद सोशल मीडिया पर जज साहब ही चर्चा का विषय बन गए हैं। मोर नेशनल बर्ड है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुग कर गर्भवती होती है और तत्व प्रांत मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। उसको अपन पूजते हैं, मंदिर में रखते हैं, भगवान कृष्ण सर पे रखते हैं, संत सब लोग घर में रखते हैं। तो इस कारण से जब मोर ऐसा है तो गाय की भी ही तुलना मोर से मैंने की है और गाय के लिए भी ये सभी चीजें हैं। गाय की पूजा करते हैं, गाय की सब करते हैं, इसी कारण से करते हैं और ये मैंने मेरे उदाहरण मेरे जजमेंट में दी है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आपने सुना जज साहब को गाय और मोर पर टिप्पणी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा की जो टिप्पणी है, इस पर अब जमकर विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जज साहब की तीखी आलोचना कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा है कि गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, मोर ब्रह्मचारी है, क्या शब्द कहे हैं जज साहब ने, अब हमें अपनी किताबें ठीक करनी चाहिए। और इसके अलावा अंजू चंदेल जो सोशल मीडिया यूजर हैं, वो कहती हैं, वाह जज साहब क्या जबरदस्त थ्योरी है, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आपको बता दें जज साहब रिटायर भी हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो ऐसी बातें कह गए हैं कि खुद ही अपने आप में खबर बन गए हैं। और सोशल मीडिया पर कीर्ति सिन्हा जज साहब के इन बोलों के बाद कह रही हैं कि जज साहब ने कहा मोर सेक्स नहीं करता और इसी के साथ जीव विज्ञान की एक दुखद मौत। तो कोई तंज कस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है और कोई सवाल भी उठा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सिफारिश की है। सिफारिश करते हुए उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, आप भी सुनिए। पुराने जमाने से गायों के प्रति सबकी श्रद्धा है। भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने गोपाष्टमी के रूप में गाय को उस दिन उतारा, उस दिन गोपाष्टमी पूजते हैं। कई प्रकार की गायें होती है, आपने भी देखा होगा तिरुपति बालाजी भी एक पोंगुल नाम की गाय के अभिषेक करते हैं और 100 लीटर दूध चाहिए। और चूंकि गाय एक महत्वपूर्ण चीज है, इसे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सबकी स्थिति सुदृढ़ होती है। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे इतनी चीजें हैं, क्योंकि गाय के मूत्र से आपका उद्धार होता है, गाय के गोबर से आपका उद्धार होता है, गाय के दूध से विशेष प्रकार की बीमारियां समाप्त होती है, गाय के दूध में एंटीबायोटिक है, एंटीजेंस है, तरह तरह के विटामिन हैं। अभी जो भी वैद्य डॉक्टर्स होते हैं कहते हैं गाय के दूध से आप दें, आप भी जब सोचते हैं कि दूध लेने जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भैंस का दूध है या गाय का दूध है, तो आप अपन गाय के दूध को प्रेफर करते हैं क्योंकि गाय के दूध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए गाय के दूध। अपने ब्रह्म ज्ञान से समाज का उद्धार करने की कोशिश करते हुए जज साहब के ये अनमोल वचन। बचपन से बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय के प्रति दया भाव रखना चाहिए, ना अपमान करना चाहिए, ना अपमान होने देना चाहिए, लेकिन गाय को लेकर राजनीति कुछ ऐसी होती रही कि वो राजनीति की दुधारू पशु बनकर रह गई है। गाय को बचाना अब एक राष्ट्रीय सवाल बन गया है।